व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज गौरांग एसवी जी। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं स्टोरी टाइम की वीडियो। ये स्टोरी टाइम हमारे बचपन के लिए, बचपन की कुछ याद जो आपके लिए, बचपन न इतने भी बचपन नहीं समझो, कुछ 6 महीने पहले की बात ये है कि मैं हमारे घर के नीचे हम जहाँ रहते हैं फिलहाल करंटली जो हमारा घर है वहाँ पे हमारी गली में मैं खेलता हूँ, मतलब ऐसे ही खेल लेता हूँ, दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो मैं एक दिन संडे का दिन था, मेरी नानी भी आई हुई थी घर पे, तो मैं नीचे खेलने गया। मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ, तो फिर मैं खेलने गया। इतने में फिर मैं अकेला क्या खेलता, तो मैंने अपने दोस्त को फटाफट बुला लिया कि आजा भाई तू भी खेल ले। उनने वो भी आ गया, तो हम दोनों खेलने लगे। खेलते 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 फिर अचानक से क्या बोलते हैं, अचानक से, अरे यार एक तो मेरा दिमाग ना इसमें जा रहा है गेम में। अचानक से ना जैसी हमारी गली में एक कुआ है, कुएं में जैसी वहाँ पे ना कुआ है, वो कुआ ना पूरा ढक रखा है एक तरीके से। उस कुएं को आप देख के ये नहीं कह सकते कुआ है, ऐसा लगे कोई जगह घेर रखी है। तो फिर मैं उस पर चढ़ने लगा, मैंने बोला चलो चलते हैं। तो वहाँ पे एक हमें मिला गिरगिट। मेरे को बहुत बुरा लगा था, तो मेरे को डर लग रहा था कि एक तरीके से, और मतलब लोग जो जिन लोगों के घर में जाने के लिए वो बिल्कुल रेडी था, उनके लिए भी डर लग रहा था, बेचारे उनके घर में ना घुस जाए वो तो काट लेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैं चिल्लाने लगा, मैंने बोला भाई गिरगिट गिरगिट इसे भगाओ, यहाँ से भगाओ 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 भगाओ। लोग बाग मेरे को कहने लगे, तो गलती से ना मैं उसे डंडे, वो लोग कहने लगे डंडे से भगा भाई, मैं डंडा लेके पीछे भागा उसके गिरगिट के। वो बल्कि गिरगिट जो है वो गिरगिट ना भागने की वजह मेरे पीछे भाग गया, और मैं उसे मारूं वो मुझे मारे। अब क्या हुआ, फिर इतनी सी बात की बात थी, इसमें वो लोग बाग ऐसे कहने लगे क्या ये क्या हो रहा है, ये तुम ऐसे घरों में ऐसे गिरगिट घुसेड़ोगे। तो मैंने बोला नहीं जानती, ऐसे गिरगिट नहीं है ये, एक तरीके का ही वो है, समझ लो गलती से आ गया, अब मेरी क्या गलती इसमें। तो लोग कहने लगे अब तेरी क्या गलती, हमारी गलती उसमें। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है कोई नहीं। तो एक आंटी है हमारे यहाँ पे पंजाबन, हम उनका नाम रखते हैं पीपी आंटी, पीपी आंटी कहेंगे हम उन्हें इस गेम में। पीपी आंटी गुस्से की है और हर रोज एक एक बंदे को मारती है बेचारे, कि हर मतलब सबको डांटती रहती है, इसका काम ही क्या है, और डांटती रहती है तो बस ऐसे ही करती रहती है। तो हम तो उन्हें इग्नोर करते हैं पीपी आंटी को, अब क्या ही करें उनका। तो फिर अचानक से आती है कि हमारे घर पे तुमने घुसेड़ दिया ये गिरगिट, गलती से उनके घर चला गया, मैं क्या करूँ उसमें। तो इतने में वो मेरे पीछे पड़ जाती है, मेरी मम्मी को बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है तू आज से नीचे नहीं खेलेगा। और उसके बाद से कम 1 महीने बाद खेलना स्टार्ट किया था मैंने। इतनी सी बात की ना, फिर वो बाद में खुद ही आके कहती है कि बेटा गलती तो मेरी थी, तू तो सही था। मैंने बोला अच्छा आंटी, बहुत जल्दी बोल दिया आपने। कहती अरे बेटा क्या ही बोलूँ। मैंने बोला आंटी जल्दी बोल दिया आपने बहुत, मेरा 1 महीना बर्बाद कर दिया, खेलने नहीं दिया आपने। खेलना क्या, एक तो यूट्यूब है ना मेरा, तो मैं यूट्यूब की बातें डिस्कस करता हूँ मतलब अपने दोस्तों से, तो इसी बात है। और उसने मना कर, उसने मम्मी से बोल दिया, तो मम्मी गुस्सा आ गई, कहने लगी कि आज से तू खेलेगा नहीं। मैंने बोला अच्छा जी चलो नहीं खेलेंगे। फिर 1 महीने तक मैं नहीं खेला, मैं फिर आराम से अपना नहीं खेलता था। लोग बाग बुलाते मतलब दोस्त वगैरह बुलाते कि खेलने आ जा, मैं कहता मैं नहीं खेल सकता भाई आज नहीं खेलूँगा। मैं ऐसा करके भगा देता, 2-3 बारी आते हैं मैं भगा देता, क्या करे बुला तो सकता नहीं हूँ क्योंकि आ नहीं सकता। इसलिए मैं 1 महीने तक गया नहीं, जा नहीं पाया, मतलब वही समझ लीजिए आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गौरांग एसवी जी टू मोर वीडियोस एंड स्टोरी टाइम। के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गौरांग एसवी जी। अगर आपको पसंद आ रही है तो ओके बाय गाइस।